मेरे पापा मुझे इसके लिए भेजे थे, इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए भेजे थे, आईआईटी की तैयारी के लिए। मैं सबसे पहले मुझे याद है कि मैं आया था तो मेंटर क्लासेज में मेरा एडमिशन हुआ था, तो मैं पढ़ने कम जाया करता था और ज़्यादातर म्यूजिक क्लास में चला जाता था। उसी समय मेरी रुचि थी म्यूजिक में, तो जिस चीज़ में जिसकी रुचि होती है जानते हैं, तो उसके प्रति काफ़ी समर्पित होता है। तो मैं क्लास बंक मार के हमेशा म्यूजिक क्लास में प्रोग्राम में जहाँ तहाँ चला जाया करता था। उसी जगह पर एक बार प्रोग्राम में मैं पटना बोरिंग रोड गया था, तो मुझे एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, उससे मिलने का मौका सौभाग्य बना कि मैं उससे मिला। तो उसने एक गाना मेरे लिए भोजपुरी गाना लिखा था, जो गाना मैंने गाया और मार्केट में लोगों ने काफी पसंद किया, बहुत ज्यादा पसंद किया, लोगों ने बहुत सारा प्यार दुलारा जी, आप उस गाने शायद आप भी उस गाने को सुने। मैं उस गाने का फैन रह चुका हूँ और अभी भी हूँ, आगे भी शायद रहूंगा ही, आपका गाना का आवाज का कायल हमेशा ही रहूंगा। तो मैं चाहूंगा कि श्रोतागण को उस गाना को जरूर सुनाइए और जो लोग नहीं सुने उस गाना को एक बार सुने। जी एकदम आइए। अरे कि नाम की तुम्हारा सिमर बना के मन में सजनी, हम धम भाग पिया हो हम तो सजन तुम्हारे बनी, बहुत बढ़िया गाना, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है कि आपने ऐसा लोकगीत सुनाया जिसमें पूर्ण शब्द भोजपुरी के थे, लेकिन उसके बावजूद भी अश्लील नहीं लग रहा था कि जो भोजपुरी में सब सुन। देखिए अश्लीलता और अभद्रता आदमी को कभी नहीं दिलाती अश्लीलता, मैं मानता हूँ आपका कहना सही है, आजकल भोजपुरी जगत में काफी अश्लीलता बढ़ गई है, लेकिन बहुत ऐसे कलाकार भी हैं जो कि भोजपुरी जगत में होके भोजपुरी गायकी करके भी अश्लील गीत को अश्लील शब्द को नहीं यूज करते हैं। जी आपने बहुत बड़ी बात बोला, मैं भोजपुरी का प्रशंसक हूँ बहुत।